हमारे बाजू वाला खुद ही एब्सेंट था। हम सीजीएल की तैयारी करते हैं तो रीजनिंग मैथ तो अच्छा था। इतनी आसान थी, समास वमास सब घुसी दिया था उसमें, समास संधि विच्छेद सब दे दिया उसमें। 70 अटेम्प्ट किए हैं, जैसे कि देख सकते हैं आज लास्ट पेपर है। तो आज का लेवल क्या, मतलब इजी है कि हार्ड कर दिया? सर इजी है, इजी है। हेलो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है हरमीत, आप सभी का स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। जैसे कि जानते हैं आज है 12 जुलाई तो सीआरपीएफ का एग्जाम चल रहा है, सेकेंड शिफ्ट वाले स्टूडेंट छूट चुके हैं। हम जानेंगे पेपर का लेवल, कितने अटेम्प्ट किए ओवरऑल? सर लगभग सर मैं 85 लोग किए हैं। 85 किए, ओवर का मतलब लेवल क्या, मॉडरेट लगा, इजी लगा? इजी है सर, इजी लगा। टाइम का, टाइम सफिशिएंट पड़ गया, टाइम कम पड़ गया? नहीं सर सफिशिएंट है, टाइम सफिशिएंट है। तो क्या थोड़ा सा की सेशन थोड़ा सा आपको टफ लगे? नहीं सर लगभग सभी सभी सर एकदम इजी टाइप था, लेकिन जो पढ़ा हुआ सर उसके लिए, जो नहीं पढ़ा हुआ तो उसके लिए तो सब सब टफ ही है जी। अच्छा इससे हम बात करें, जीके जीएस में क्या क्वेश्चन थे, कोई आपको याद है क्या आए थे क्वेश्चन? सर जीके में, सर जीके में सर करंट तो कुछ थे और सर इसमें रीजनिंग में सर थोड़ा मतलब ब्लड रिलेशन से था सर, और डायरेक्शन से भी था सर, इसे मतलब था। बाकी जैसे आप बोल रहे हैं जैसे कि 3-4 क्वेश्चन थे यहाँ पे, इससे क्या आया था स्पोर्ट्स से करंट में कितने क्वेश्चन देखने को मिले? सर स्पोर्ट्स में नहीं था सर, करंट से मतलब रिलेटेड थे, मतलब कि ये मतलब राष्ट्रपति सर चंद्रचूड़ जो है सर, ये सब सबसे मतलब आया था सर, खेल से मतलब। खेल क्वेश्चन, अच्छा कोई मतलब कि यहाँ आर्टिकल से अनुच्छेद से दोस्तों नहीं, कोई नियुक्तियाँ क्वेश्चन देखने को मिला, कोई राज्य का, कोई नृत्य, कोई डांस? नहीं नहीं, वो सर गीत से रिलेटेड तो आया था। अब मैथ में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिला? सर मैं परसेंटेज, परसेंटेज। जैसे कि देख सकते हैं आज लास्ट पेपर है, तो आज का लेवल क्या, मतलब इजी है कि हार्ड कर दिया? सर इजी है, इजी है आज का लेवल। जैसे आपने कहीं देखा होगा फोन में या फिर रिव्यू बच्चों का, जैसे बता रहे थे आज का एनालिसिस क्या लगा? नहीं सर ठीक है, मेरे हिसाब से तो ठीक सर, ठीक ही है, बढ़िया सर, लेवल सही था सर। आपने कहीं से मॉक टेस्ट दिए थे? नहीं सर मैं पढ़ता था सर क्लाइमेक्स में, उसी से पढ़ता। अच्छा आपने ऑनलाइन के कोच क्लिक किया? नहीं सर ऑफलाइन। ऑफलाइन, कौन सा आपका अटेम्प्ट रहा सीआरपीओ का, पहले ही अटेम्प्ट रहा? यस सर। और किसी का एग्जाम वगैरह दे रहे हैं आप? सर नहीं अभी सर भर रहे हैं सर, एसएसबी का भी आएगा तो। अच्छा ओवरऑल बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं नहीं अंदर हॉल में? सर कुछ कुछ एब्सेंट है, ज़्यादा नहीं। क्या नाम है आपका? सर अजय कुमार सरोज। कैसा गया भाई आपका एग्जाम? बढ़िया गया। कुल कितने अटेम्प्ट किए ओवरऑल? 87। 87 की, बहुत अच्छा आपका अटेम्प्ट रहा। थोड़ा सा की सेशन थोड़ा आपको टफ लगे, मैथ में, जीके जीएस में? थोड़ी जीएस हार्ड थी, बाकी मैथ रीजनिंग अच्छी। आपको इजी क्या लगा? मैथ आपको इजी लगा। तो मैथ में हम बात कर लेते हैं, परसेंटेज से कितने क्वेश्चन देखने को मिला? 2-3 थे, और एरियो से ज़्यादा थे, एरियो से ज़्यादा थे औसत से क्वेश्चन। नंबर सिस्टम कितने क्वेश्चन थे? नंबर सिस्टम 1-2 थे, और लसम से एलसीएम, एलसीएम 1 भी नहीं, एसीएम ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन देखने को मिला? ट्रिग्नोमेट्री 1 भी नहीं था। डीआईएस क्वेश्चन ग्राफ वाले? हाँ एक था, एवरेज का डीआईएस था। और जी और मेंसुरेशन कितने क्वेश्चन थे? मेंसुरेशन लगभग 6-7 थे। 2D के 3D कैसे, क्या 2D से? 2D थे। और करंट कितने क्वेश्चन, कितने साल देखने को मिला? करंट ज़्यादा नहीं थी, जीएस से ज़्यादा थे। अच्छा जो जीएस क्वेश्चन आ रहे हैं क्या किस लेवल से आ रहे हैं, जियोग्राफी से, पॉलिटी से, हिस्ट्री से? हिस्ट्री से ज़्यादा है, हिस्ट्री ज़्यादा आ रहे थे। क्या कुछ आया था, अकबर हुमायूं चोर, क्या आया था? अकबर ये संगठन और गठन से ज़्यादा, कोई बौद्ध धर्म, कोई जैन धर्म, कोई युद्ध वगैरह से नहीं? जी जैसे मॉर्निंग वाले में शिफ्ट पूछा गया था चोल वंश संस्थापक कौन है, ऐसे कोई क्वेश्चन देखने को मिला? चोल वंश के बाद कौन सा वंश आया है? अच्छा दक्षिण भारत के इतिहास से आया है। ओवरऑल जैसे पेपर वहाँ पे दे रहे हैं बच्चे थे, एब्सेंट हो रहे हॉल में कितने परसेंट? हमारे अगल बगल तो सभी थे, लेकिन लगभग 70% थे जी। आपके लिए टाइम क्या सफिशिएंट पड़ गया, पूरा 100% देख लिए थे? दोबारा भी देखेंगे? दोबारा पूरा देखते जी। जैसे बात कर लेते हैं मतलब कि तर सकते हैं रीजनिंग में कहाँ आपको किस टॉपिक ज़्यादा था क्वेश्चन बने नॉन वर्बल? हम सीजीएल की तैयारी करते हैं तो रीजनिंग मैथ तो अच्छा था, अच्छा था हमारे लिए। आपके लिए जीके जीएस में कुल कितने, 25 में से कितने किए हैं जीके जीएस? जीके जीएस में 16-17 करें, 16-17 बहुत अच्छा का तब्पर अटेम्प्ट रहा। बात कर लेते कि मैथ में आप बोल रहे हैं बहुत अच्छा, सीजीएल का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैथ में कितने बनाए हैं आप? मैथ में 25-25 करें, 25 करी। और इंग्लिश आपका था कि हिंदी था? हिंदी था। अच्छा हिंदी में क्या विलोम क्या आए थे, क्या पर्यायवाची आए थे? तीन चार पर्यायवाची आए थे, और यही सब एक पैराग्राफ आया था। काहे पर्यायवाची पूछा था कुछ आपको याद है? पर्यायवाची आकाश का पूछा था, और इसी तरह के थे। चलिए आपका नाम क्या है? सुशील कुमार फतेहपुर। थैंक यू आपका एग्जाम बढ़िया गया। बढ़िया, कितने अटेम्प्ट किए हैं? 72। थोड़ा सा किस सेशन में आपको टफ लगे? ठीक है थोड़ा टफ लगे। आपको इजी क्या लगा? मैथ और रीजनिंग आपको मतलब कि जैसे हिंदी यार कहाँ इतनी आसान थी, समास वमास सब घुसी दिया था उसमें, समास संधि विच्छेद सब दे दिया उसमें। लग आपको हिंदी टफ लगी? हिंदी कितनी टफ नहीं थी, आसान थी उनसे पहले वालों से। अच्छा जैसे कि क्या कुछ आपको क्वेश्चन याद है जीके जीएस में आपको रिकॉल हो तो बताइए? जीके जीएस का याद नहीं है, रीजनिंग का पता है, ब्लड रिलेशन ज़्यादा आया था। कितने क्वेश्चन थे ब्लड रिलेशन से? कम से कम 4 तो होंगे। 4 क्वेश्चन थे, क्या सिंबल वाले क्वेश्चन आए थे या फिर नॉर्मल थे? नॉर्मल थे, नॉर्मल। और कोई मिरर से क्वेश्चन देखने को मिला? हाँ मिरर से था, ABCD लिख के दाएं तरफ लगा दिया था मिरर।
कितने क्वेश्चन थे मिरर वाले? कम से कम तीन तो होंगे। तीन क्वेश्चन थे और इसके बाद जो ब्लड रिलेशन वाले हैं जैसे क्वेश्चन अब देखो तीन चार क्वेश्चन बता दे ठीक है। और इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग कितने क्वेश्चन देखने को मिला? कोडिंग डिकोडिंग नहीं, किसी क्वेश्चन था ही नहीं, नहीं मैंने देखा। और क्या मतलब कैलेंडर से? कैलेंडर से नहीं, नहीं डाइस से? डाइस से नहीं। क्लॉक से? क्लॉक से भी नहीं। तो ऐसे कि कथन निष्कर्ष कितने क्वेश्चन थे? कथन निष्कर्ष के भी नहीं। किस टॉपिक ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिला? ब्लड रिलेशन से ज़्यादा थे और रिक्त स्थान की पूर्ति की, जैसे तीन दिए उसके बाद सिमेट्री में कौन सा आएगा, उसमें चार में से कौन सा नहीं आ सकता, वो था नॉर्मल बल जाते थे। तो क्या और पेपर कटिंग से क्वेश्चन आया था? पेपर कटिंग से नहीं आता। और मतलब कोई गिनने वाला कितने त्रिभुज कितने आए थे? हाँ त्रिभुज आए थे दो, ये क्वेश्चन आए थे। अच्छा ओवरऑल बच्चे एबसेंट हो रहे हैं हॉल में? नहीं आ रहे थे ज़्यादातर आए थे। कुल कितने अटेम्प्ट किए हैं? सत्तर अटेम्प्ट किए। सत्तर अटेम्प्ट किए हैं। अच्छा थोड़ा सा जीके जीएस में कितने अटेम्प्ट किए आप? जीके जीएस में 15 अटेम्प्ट। जीके जीएस आपको हार्ड ही लगा, क्या लग रहा है? हाँ जीके जीएस। मैथ का लेवल क्या लगा आपके हिसाब से? मैथ का थोड़ा सही था, थोड़ा सही। हाँ मतलब वो जो है ना घनों से आ रहा है और क्षेत्रफल ये सब ऐसे क्वेश्चन दिया। तो आप क्या ऐसे कि कहीं से मॉक टेस्ट आपने दिए थे? टेस्ट बुक पर कहीं से कुछ? हाँ टेस्ट देते, टेस्ट देते थे। क्या वहाँ के जितना लेवल लगता है जितना वहाँ क्वेश्चन कर लेते थे, यहाँ क्वेश्चन किया कम कर गया? उतना ही किया, उतना ही किया जी। अब आपने कोचिंग कहाँ से किया? कुछ ऑनलाइन ऑफलाइन? कोचिंग नहीं, कोचिंग ऑनलाइन की। ऑनलाइन से किए? क्या लग रहा है पेपर देखे आप संतुष्ट हैं? हो जाएगा आप संतुष्ट है? आप देखेंगे रिजल्ट आएगा तो। और कोई बोला कि कोई और एग्जाम दिए हैं जीडी वगैरह का कोई? और पुलिस? हाँ जीडी दिए हैं। कैसा गया आपका एग्जाम? एग्जाम भाई बहुत खराब गया। बहुत खराब गया? क्यों खराब गया भैया? सब बता रहे बहुत अच्छा गया एग्जाम। तैयारी आपने की? कितने अटेम्प्ट किए आप? 61। अच्छा थोड़ा सा आपको कहाँ टफ लगे ज़्यादातर? जी एस ही टफ लगा आपको? ई जी क्या लगा? ई जी सर जो था हिंदी था, ई जी था और रीजनिंग भी ई जी था। अच्छा हिंदी में क्या क्वेश्चन थे कुछ आप बताएंगे? क्या विलोम से क्या पर्यायवाची से? पर्यायवाची था सर, विलोम एक भी नहीं था। क्या पर्यायवाची था कुछ बताएं? पर्यायवाची कोयल का था। पर्यायवाची पूछा था। और कोई संधि कोई विच्छेद से कोई क्वेश्चन? संधि विच्छेद से तीन क्वेश्चन था। समाज से क्वेश्चन? समाज से भी था दो क्वेश्चन। और कोई आर्टिकल संविधान से क्वेश्चन देखने को मिला आपको? आर्टिकल नहीं सर, आर्टिकल क्वेश्चन नहीं था। नहीं सर। जियोग्राफी कोई नदियाँ कोई पहाड़ झील से क्वेश्चन? नहीं सर वो भी नहीं। क्वेश्चन देखने को मिला जी। अच्छा बच्चे वहाँ जा हॉल में एबसेंट थे बच्चे? हाँ एबसेंट थे लेकिन ज़्यादा एबसेंट नहीं थे। हमारे बाजू वाला खुद ही एबसेंट था जो बाजू में था। आप मतलब कि कोई और पेपर दे रहे हैं बस इसी का देखते हैं और कोई? एसएससी का देखते हैं सर, एसएससी जीडी का भी। बहुत कम अटेम्प्ट किया ऐसा क्यों? क्या तैयारी क्यों नहीं की आप? क्या तैयारी नहीं थी सर, वही बोल रहे हैं ना, तैयारी भी नहीं थी और जीएस बहुत टफ था। जीएस बहुत टफ था जी सर। अच्छा जैसे क्या टफ था, क्या पूछा गया था? हिस्ट्री था और उसमें जो था और करेंट का था क्वेश्चन, थोड़ा टफ था। और जैसे जिसके लिए मतलब कुछ मैसेज देना चाहेंगे पेपर के बारे में, कैसा लेवल है, क्या चीज़ है? लेवल तो सर है, लेवल तो रहेगा क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है तो लेवल तो हाई रहेगा। और कुछ कहना चाहेंगे कुछ मतलब क्या मोटिवेशनल लाइन का लाइन कुछ मेरे व्यूअर को कुछ बोलना चाहिए? शायरी कुछ कहना चाहेंगे आप? जी सर शायरी क्या गया, एग्जाम अच्छा गया होता तो शायरी अपने आप निकलती। चलिए अच्छा हो जहाँ तक हो। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। जैसा देख सकते हैं जैसे भैया लोग कराए एनालिसिस बहुत ही अच्छा रहा और पेपर का जो लेवल है जैसे कि जब पहले जैसे यहाँ आ रहा था पेपर लेवल आ रहा था उसी लेवल के हिसाब से आप लोग बने रहेगा ऐसी तैयारी करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।